हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट चैप्टर दिस इज यूनिट थ्री एंड सेक्शन बी बोटिंग फ्रेंड्स। इफ यू वर टू गो ऑन एन एडवेंचर ट्रिप विद अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल वॉट वुड यू चूज टू डू एंड वाई सपोज दैट कि आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर गए होते लाइक माइंडेड पीपल के साथ लाइक like माइंडेड मतलब एक जैसे विचार वाले लोगों के साथ तो आप क्या कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों तो ये आप अपनी क्लासरूम में टीचर्स के साथ स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं ऑप्शन हैं आपके सामने देखिए एक हाउस बोट ट्रिप अ टूर बाय वैन ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स अ रोड ट्रिप बाय साइकिल मोटर बाइक और कार इनमें से आपको क्या चीज़ पसंद है ये आप बता सकते हैं Now read a story about three friends who enjoy a boating trip on the river Thames. Actually ये जो story है जीरोम के जीरोम वो जो author हैं इसके उनकी खुद की ये कहानी है उन्होंने अपना एक incident life का यहाँ share किया हुआ है ये एक English writer थे और humorist भी थे और इनको जाना जाता है अपनी best एक book के लिए जो है three men in a boat. थ्री मैन इन अ बोट इनकी एक बुक है उसमें से कुछ पार्ट यहां आपके चैप्टर में दिया गया है तो चलिए पढ़ते हैं इसको वर थ्री इन अ बोट चिरोम जॉर्ज एंड हैरी ये तीनों थे उस बोट में दे प्लान टू स्पेंड अ फ्यू डेज बोटिंग एक रिवर है तो उन्होंने प्लान किया था कि कुछ दिन वो लोग बोटिंग करेंगे बोटिंग करते हुए बिताएंगे रिवर पर। द क्लॉक ऑन द केबिन वॉल सिक्स इन द मॉर्निंग सुबह के छः बजे हुए थे फॉर द पास्ट आर यानी कुछ समय पहले ही पिछले घंटे क्या था कि जीरोम और जॉर्ज जो थे वो हडल अप मतलब इकट्ठे इकट्ठे होकर एकदम पास पास ब्लैंकेट में लेटे हुए थे सो रहे थे बैठे हुए थे कंबल उड़कर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस और अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे थे समू एंड समी कुछ बातें सच कुछ वैसे ही हम लोग जब बात करते हैं तो कुछ बातें इधर उधर की भी कर देते हैं वैन जीरोम फिनिस्ड हिज नरेशन तो जब जीरोम uh, ने अपनी बात खत्म की जॉर्ज सेट टू वर्क टू वेकअप हैरी विद द पॉइंट ऑफ एन एम्बरेला तो एक हैरी उनके साथ जो तीसरा पार्टनर था तो जॉर्ज ने क्या किया उसको अम्ब्रेला के जो छाते का आगे का हिस्सा होता है पॉइंट जो होता है उससे उसको पुश करके पिंच करके उसको जगाने की कोशिश की लेजी कप मतलब आलसी आदमी जाओ, आलसी आदमी। दर्ड प्रॉडेड प्रॉड मीन्स वो जो नॉक से चुभोना। उसने तीसरी बार फिर कोशिश की उसको चुभ होकर उसको उठाने की पच ही टर्न ओवर ऑन दी अदर साइड एंड सैड ही वुड बी डाउन इन मिनट लेकिन वो पीठ फेर लेता है है ना दूसरी साइड टर्न हो जाता है और बोलता है कि हाँ वो एक मिनट में नीचे आ रहा है उन, उन लोगों के पास ही वॉज स्टिल ड्रीमिंग वो अभी तक सपने देख रहा था दे सून लेट हिम नो वेयर ही वॉज हाउ एवर विद द एड ऑफ द बोट हुक एंड ही सेट अप सडनली यानी वो उसको रियलाइज करना कराना चाहते थे कि वो इस समय है कहाँ तो बोट में जो हुक होता है उसकी एड्स उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया उसको उठाया जगाया उसको खड़ा किया अचानक से वो खड़ा हुआ जॉर्ज पुल्ड अप द कैनवास एंड थ्री ऑफ देम हेड्स हेड्स आउट आउट टू एट द वाटर। तो जॉर्ज ने कैनवास को जो बोट के ऊपर कैनवास यानी पर्दा जो लगा होता है उसको हटाया और उन तीनों ने झांक कर बोट के बाहर वाटर की तरफ देखा दे शिवर्ड एट द साइट वो एकदम दृश्य देखकर अचंभित हो गए शिवर हो गए कांप गए एक तरह से एग्रीड अपॉन शाउट एंड एंजॉय लॉन्ग डिलीशियस स्विम यानी उन्होंने क्या किया था उन उन्होंने एक आइडिया जो प्लान किया हुआ था कि सभी लोग एग्री हुए थे एक रात पहले इस चीज से कि वे लोग सुबह जल्दी उठेंगे है ना अर्ली इन द मॉर्निंग फ्लिंग ऑफ द ब्लैंकेट से तुरंत blanket कर अपने अपने और जल्दी से दौड़ेंगे और river में छलांग लगाएंगे, joy, joy shout, खुशी से चिल्लाते हुए और काफी लंबे समय तक एंजॉय करेंगे अपनी बहुत ही मनोरंजक स्विम को तैरने को तैरेंगे उसमें नदी में दैट मॉर्निंग हैड अराइव्ड और वो सुबह अब आ चुकी थी लेकिन वो लोग तो अभी सो रहे थे हाउ एवर नोशन सीम्ड लेस जो विचार था उनकी जो धारणा बनी हुई थी ये जो उन्होंने एक पहले किया था ऐसा करने का वो seemed less tempting. वो थी ऐसा लग रहा था अब वो ज्यादा ज्यादा अच्छा ज्यादा सुहावना मोहक उनके लिए ये चीज नहीं रही जैसा उन्होंने सोचा था ऐसा क्यों द वॉटर लुक डार्क एंड चिली दल्ड क्योंकि पानी काफी डार्क और ठंडा दिखाई दे रहा था एकदम से और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी बह रही थी वेल हु इज गोइंग इन फर्स्ट सैड हैरी एट लास्ट आखिरकार हैरी बोलता है कि अच्छा तो बताइए पहले कौन जाने वाला है पानी में अब देखिए देर वॉज नो रश फॉर प्रेसिडेंस यानी अब सबसे आगे जाने के लिए जो होड लगती है हम लोगों में कि हम पहले करेंगे हम पहले करेंगे उस चीज के लिए उस बात के लिए वहां पर कोई रश नहीं था यानी कोई भी आगे बढ़ने को पहले तैयार नहीं हुआ जॉर्ज सेटल द मैटर फॉर हिमसेल्फ जॉर्ज ने अपने आप ये मैटर सुलझाया ही सेट डाउन एंड स्टार्टेड पुलिंग ऑन इज सॉक्स वो नीचे बैठता है और अपने को उतारना शुरू कर देता हैरी वुड बी मैसी टू गेट इन टू द बोट अगेन यानी हैरी कहता है कि अगर आप पानी में कूद कर दोबारा वापस आओगे बोट में तो यहाँ काफी गड़बड़ हो जाएगा मैसी हो जाएगा यानी कि आप लोग गीला कर दोगे सारा सामान सो ही स्टार्टेड सॉर्टिंग इज क्लॉथ एंड प्रॉम्पली ड्रेस्ड फॉर द डे तो वो क्या करता है सारे क्लॉथ्स को शॉर्ट करना चालू कर देता है इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपने उस दिन के लिए ड्रेसअप हो जाता है दैट लैफ्ट जीरोम टू डिसाइड वॉट ही वॉज गोइंग टू डू अब अकेला जीरोम बचाता है जिसको ये सोचना आता है कि अब उसे क्या करना है इट वॉज जीरोम्स आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस एंड ही डेस्परेटली वॉन्टेड टू शो दैट इट वॉज नॉट अ हेयर ब्रेंड आइडिया एट ऑल यानी सबसे पहले जीरोम का ही आइडिया था जिसने ये चीज बोला था कि हम लोग स्विमिंग करेंगे तो एंड डेस्परेटली वॉन्टेड टू वो काफी उग्रता के साथ ये चीज चाहता था desperately ये चीज चाहता था ये शो करना कि ये कोई हेयर ब्रांड आइडिया नहीं था हेयर ब्रैंड मतलब कोई मूर्खतापूर्ण उसका आइडिया नहीं था दो नाउ ही डिड नॉट प्लंज लेकिन अब उसे डुबकी लगाने में कोई आनंद दिखाई दे रहा नहीं दे रहा था डिड नॉट रैलिस मतलब एक तरह से आनंद आनंद खुशी होना प्लंज बीस होता है डुबकी लगाना ही बिगेन टू मेक एक्सक्यूज फॉर हिमसेल्फ वो अपने लिए अब बहाने बनाने लगा क्योंकि पहले तो उसने ये सोचा था कि हम सब लोग रिवर में तैरेंगे डुबकी लगाएंगे खूब मजे करेंगे लेकिन जब पानी ठंडा देखा ठंडी ठंडी हवा देखी तो हालांकि वो ये भी कह रहा था कि यह कोई मूर्तापूर्ण आइडिया नहीं था रिवर में स्विम करने का लेकिन इस समय उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नदी में डुबकी लगाए और उस आनंद को महसूस करे जैसा उन्होंने प्लान किया था अब वो अपने लिए क्या करने लगा बहाने बनाने लगा देयर माइट बी स्नेक्स अबाउट हो सकता है पानी में कोई सांप हो और वीड्स वीड्स मतलब जो जंगली पानी के अंदर जो वीड्स होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो कहीं भी कैसे भी उगाते हैं वीड समखरपतवार को बोलते हैं जो कहीं भी उगाते हैं बट देन ही डिसाइडेड टू सेव फेस बाय गोइंग डाउन टू द एज एंड जस्ट डिपिंग हिज लेग इन द वाटर सॉरी इन द रिवर तो फिर उसने डिसाइड किया कि चलिए देखते हैं वो जाकर एक एज पर जाता है किनारे पर जाकर और रिवर में अपना पैर डुबा कर देखता है ही took a towel एक टॉवल लेता है अपने साथ क्रैप्ट आउट ऑन टू द बैंक किनारे पर पहुंचता है एंड वॉम्ड हिज वे अलोंग ऑन टू द्रांच ऑफ अ ट्री दैट डिप्ड डाउन इन दॉटर वो उस एक किनारे के साथ ही एक ट्री था और ट्री की ब्रांच जो इतनी झुकी हुई थी जो पानी से टच हो रही थी तो उस ब्रांच पर चढ़ जाता है लेकिन वो क्या करता है एंड वॉम्ब हिज वे वॉम्ड मीन्स होता है स्पॉइल um, करना खराब कर देना along onto the branch of a tree that dipped down onto the water it was bitterly cold काफी ठंड थी वहाँ पर the wind cut like a knife हवा ऐसे काट रही थी जैसे चाकू काटता है चाकू की तरह काटे जा रही थी and he stood on the overhanging branch और वो उस जो ब्रांच थी ट्री की उस ओवरहैंगिंग ब्रांच पर खड़ा हुआ था then he started having second thoughts ही वुड मीकली को बैक इन टू द बोट एंड्रेस फिर अचानक से उसने दूसरा विचार सोचा कि नहीं नहीं पानी बहुत ठंडा है हवा ठंडी चल रही है तो वो क्या करता है मीकली मतलब बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से इस ब्रांच से वापस होकर और बोट की तरफ जाएगा और कपड़े पहन लेगा उसकी हिम्मत नहीं है अब उसमें छलांग लगाने की पानी में ही डिसाइडेड टू रिस्क देर जियर्स जियर्स मतलब उसने डिसाइड किया अपने इस मजाक को रिस्क लेने का बट एज ही टर्न लेकिन जैसे ही वो वापस बोट पर जाने के लिए मुड़ा द विकेट ब्रांच के वे लेकिन जो बेचारी टहनी थी जो थी बिग विक मतलब होता है दुष्ट वैसे लेकिन अब उसके लिए दुष्ट क्यों है क्योंकि वो वहां पर ब्रांच जैसे ही वो मुड़ा वो ब्रांच टूट गई तो उसके मन में ख्याल आएगी बड़ी दुष्ट ब्रांच है मतलब मैं लौटना चाह रहा था और वो बेचारी ब्रांच जो थी कमजोर थी उसके वेट की वजह से और थोड़ा हिलने की वजह से वो टूट गई एंड ही एंड द टावल वेंट इन टूगेदर विद द ट्रिमेंडस स्प्लैश तो वो और उसके टावल दोनों उस ट्रिमेंडस यानी बयानक छपाक स्प्लैश में होता छपाक उसके साथ पानी के अंदर गिर पड़े वॉज आउट मिड स्ट्रीम विदिटर ऑफ द थे कुछ सोचता उसके साथ क्या हुआ है तब तक वो रिवर के वॉटर में जा चुका था गिर चुका था हे ड्यूड जीरो से एज ही केम ब्लोइंग टू दर्फेस उसने सुना की हैरी ये चीज बोल रहा था कि देखिए जीरो में चला गया पानी के अंदर आई डिडेंट थिंक ही हिम्मत करना साहस करना कि मुझे नहीं लगता आई थिंक मैंने नहीं सोचा था he would have the plug to do इट उसके अंदर इतने साहस है इस चीज को करने का किस चीज का साहस ठंडे पानी में ठंडी हवा के भी बावजूद भी रिवर के अंदर छलांग लगाना डिड यू क्या तुमने ऐसा साहस किया हाउ इज द वॉटर जॉर्ज आउट स्निगरिंग स्निगरिंग मीन्स स्निगरिंग मीन्स होता है मुंह दबा के चुपचाप से हंसना और वो हंसते हंसते हंसी मजाक में उससे पूछ रहा था पानी कैसा है लवली जीरोम्स प्लटर्ड बैक जीरोम ने छपाक पानी में हाथ से छपाक करते हुए बोला लवली पानी बहुत अच्छा है यू आर फूल्स नॉट टू कम इन आप लोग बेवकूफ हो जो पानी में नहीं आए हो अभी तक आई वुड नॉट हैव मिस्ड दिस फॉर द वर्ल्ड मैं इस चीज को मिस नहीं कर सकता किसी कीमत पर Come on in, try it. जल्दी आ जाओ अंदर पानी में और ट्राई करो जस्ट वी बिट ऑफ कि आपने जो डिटर्मिनेशन किया था जो दृढ़ निश्चय किया था बस उसका थोड़ा सा भी आप हिम्मत नहीं दिखा सकते हो बस यही आपकी डिटर्मिनेशन थी बट नो नथिंग कुड पर स्वेट दैम लेकिन उसने काफी कोशिश की उकसाने की उन लोगों को कि वो भी पानी के अंदर आए बट नो लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ means, मानना बात मानना राजी करना कोई भी पानी में उतरने के लिए राजी नहीं हुआ द बोट जब वो वापस जीरोम पानी से निकलकर बोट में गया तो काफी ठंडा हो चुका था एंड इन हिज हरी टू गेट हिज शर्ट ऑन और इसी जल्दबाजी में जब उसने शर्ट पहनने के लिए ली एक्सीडेंटली जर्गड इन टू द वॉटर दुर्भाग्य से कांपते हुए हाथों से उसके हाथ से वो शर्ट छूट कर पानी के अंदर गिर गई जिसको वो पहनने वाला था इट द मोर बिकॉज जॉर्ज फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग एंड गफॉर्ट यानी उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आया और इसलिए भी क्योंकि जो जॉर्ज था वो क्या कर रहा था उसके ऊपर हंस रहा था गफॉर्ट मींस होता है खिलखिलाकर हंसना अम्यूजिंग मतलब मनोरंजन होना यानी वो काफी एंटरटेन हो रहा था मनोरंजन उसको मजे आ रहे थे देखकर कि वाह उसको तो ठंड भी लग रही है पानी ठंडे पानी में गिर गया ठंडा होकर आया बेचारा शर्ट पहनने वाला था उसकी शर्ट बेचारे की पानी में गिर गई तो इसलिए वो काफी अनॉयड हो गया काफी परेशान हो गया इरिटेट हो गया यू मॉन्स्टर हिम जीरोम ने उसको डांटा तुम दुष्ट आदमी हैव सम पिटी ऑन मी कुछ दया करो मेरे ऊपर आई एम फ्रीजिंग मैं एकदम जम रहा हूँ ठंड की वजह से एंड यू आर लाफिंग और तुम हंस रहे हो बट जॉर्ज फाउंड हिज प्रोटेस्ट इवन मोर हिलेरियस एंड लाफ्ड स्ट्रेटिकली लेकिन जिस तरह से उसने इस चीज को बोला डांटते हुए बोला जॉर्ज ने इस चीज को और मजाक में लिया और स्ट्रेटिकली लाफ किया यानी कि बहुत इससे पहले ऐसे कभी हंसा ही ना हो इस तरह से और जोर-जोर से वो हंसने लगा जीरोम हैड नेवर सीन हिम लाफ सो विकडली ही लॉस्ट हिज टेंपल विद हिम जीरोम ने कभी भी उसको इस तरह से देखा नहीं था इस इतना हंसते हुए तो उसको उसको ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था वॉट आर हार्डलेस कि तुम कितने निर्दयी पागल इंसान हो मैड मैड होता है mad पागल है पागल ना ही बट जॉर्ज ओनली रोड लाउडर लेकिन जॉर्ज सिर्फ तेजी से हंसता ही रहा जीरो मैनेज टू गेट द शर्ट ऑन टू द बोट ऑन टू द बोट हुक एंड आउट टू द वॉटर जीरो ने कोशिश की कि बोट का जो हुक होता है उससे अपनी शर्ट को वापस खींचने की उसको पानी से बाहर निकाला एट दैट क्रीशियस मोमेंट ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट हिज शर्ट एट ऑल बट जॉर्जिज लेकिन जैसे ही उसने शर्ट को अपने पास तक खींचा उसी समय उसको रियलाइज हुआ करे ये तो उसकी शर्ट है ही नहीं लेकिन किसकी थी ये शर्ट जॉर्ज की शर्ट थी ये तो ही हैड मिस्टेकन एट फॉर हिज इन हरी टू गेट रेस्ट उसने गलती से इसको अपना समझ लिया था जब वो ड्रेसिंग uh, उसको पहनने जा रहा था द्यूमर ऑफ दीरोम फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार पहली बार जीरोम के चेहरे पर थोड़ी सी हसी और हसी मजाक का भाव उत्पन्न हुआ एंड ही बिगेन टू लाफ और वो हंसने लगा एंड द मोर ही लुक फ्रॉम जॉर्ज इज वेट शर्ट टू जॉर्ज रोइंग विद लाफ्टर, द मोर ही वॉज अम्यूज और जैसे ही उसने जॉर्ज की तरफ देखा उस गीली शर्ट को देखते हुए जो जॉर्ज की शर्ट थी उसको जॉर्ज को दिखाते हुए और जोर-जोर जो से हंसने लगा जीरोम नाव लाव सो मच दैट ही लैट द शर्ट फॉल बैक इन टू द वॉटर अगेन जीरोम इतनी तेजी से हंसा की हंसते हंसते उसने वो शर्ट भी दोबारा से वॉटर में फेंक दी आर गोइंग टू गेट इट आउट ज बिटवीन हिज श्रेक यानी उसकी इस चीज के बीच में जॉर्ज दोबारा से बोलता है क्या आप उसको वापस नहीं लाना चाहते हो शर्ट को जीरोम कूडंट आंसर फॉर अल्ड थोड़ी देर तक तो बेचारा तो हंसता रहा जीरोम और आंसर नहीं कर पाया he was laughed so much. वो काफी हंसा था बट एट लास्ट बिटवीन हिज पेल्स और लास्ट ही मैनेज टू ड्रक आउट लेकिन कुछ आखिरकार उसने थोड़ा थोड़ा हंसते हंसते और हंसने के बाद जैसे हम लोग हंसते के हंसते हुए कोई बात बोलते हैं तो आधी आधी बात मुँह से निकलती है इस तरह से उसने कुछ कुछ मैनेज किया जर्क आउट यानी झटके के साथ कुछ 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 बोलने का हंसी के बीच में इट इज़ नॉट माई शर्ट इट्स योर्स कि मेरी शर्ट नहीं थी ये तो आपकी थी जीरोम नेवर सो फेस चेंज फ्रॉम लाइव टू सीवियर सो सडनली इन ऑल हिज फेस ऑन ऑल हिज लाइफ जीरोम ने कभी भी ऐसा चेहरा नहीं देखा था जो अचानक से चेंज हुआ हो एकदम से पहले हंसता खेलता था जीवंत चेहरा था लाइवली मतलब जैसे वो हंस रहा था इतनी देर से जॉर्ज उसके ऊपर लेकिन अचानक से जैसे ही उसने बोला कि मेरी शर्ट नहीं थी आपकी थी अचानक से उसका फेस कैसे सीवियर हो गया गंभीर हो गया अचानक तो ऐसा उसने कभी अपनी लाइफ में पहली बार देखा चिल्लाया क्या स्प्रिंगिंग अप यू सलीकू मई मोस्ट एक्सपेंसिव शर्ट ई कॉन्ट यू बी मोर केयरफुल ऑफ वॉट यू आर डूंग कर कहता है क्या तुम पागल इंसान मेरी कितनी महंगी शर्ट थी वो तुम केयरफुल क्यों नहीं हो सकते हो जब भी आप कोई काम करते हो तो वाई डोंट यू गो एंड ड्रेस ऑन द बैंक आप किनारे पर जाकर क्यों नहीं आपने ड्रेस किया वहां पर कपड़े पहने यू आर नॉट फिट टू बी इन अ बोट तुम जिस बोट में रहने लायक नहीं हो गिमी द बोट हुक मुझे बोट हुक दीजिए जिससे आपने शर्ट निकाली थी जीरोम ट्राई टू मेक हिम सी द फन ऑफ द थिंग बट ही कुड नॉट यानी जीरोम ने काफी कोशिश की उसको इस चीज दिखाने के लिए कि देखिए फन क्या होता है बट लेकिन वो समझ आ, सफल नहीं हो पाया क्योंकि देखिए पहले तो जॉर्ज उसके ऊपर हंस रहा था जब जीरोम ने उसके ऊपर हंसना स्टार्ट किया तो वो सीवियर हो गया गंभीर हो गया जॉर्ज वॉज वेरी डेंस एट सींग जोक समटाइम्स कई बार ऐसा होता था कि जॉर्ज के साथ कोई जोक किया जाता है वो गंभीर हो जाता था डेंस हो जाता था और ही डिड नॉट केयर मच अबाउट डूइंग टू अदर्स और शायद वो जब दूसरों के साथ कोई फेरफन करता था तो वो इस चीज़ की केयर नहीं करता था एज ही वॉन्टेड दैम टू डू टू हिम जैसा कि कोई दूसरा उसके साथ करे हैरी फाउंड दैट रियली अम्यूजिंग और जो थर्ड पर्सन था हैरी वो ये सब देखकर उन दोनों की ये चीज़ देखकर हंसी मजाक देखकर काफ़ी मनोरंजक हो रहा था वो अम्यूजिंग हो रहा था उसको मजे आ रहे थे कि ठीक है पहले जॉर्ज ने उसके ऊपर हंसा अब जीरो उसके ऊपर हंस रहा है और वो दूर से देखा देखा उन दोनों पर हंस रहा था और मजे ले रहा था इट सीम्ड जॉर्ज हैड नॉट अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ये ऐसा लगता था कि जॉर्ज ने ये इस प्रिंसिपल नहीं समझा अच्छे से क्या कि डू टू अदर्स एज यू अदर्स डू टू यू कि हमेशा दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं क्योंकि जब जॉर्ज जीरोम के ऊपर हंस रहा था तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है ना उसने कोई केयर नहीं की उसको कैसा लगेगा और जब जीरोम ने उसके ऊपर हंसना स्टार्ट किया तो उसको वो गंभीर हो गया तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें ठीक है तो इस चैप्टर से हमें यह सीख भी मिलती है सो so, स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था नाउ यू हैव टू राइट ऑल द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर एंड वर्ड मीनिंग्स एज वेल एंड प्लीज लर्न दैम वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर और यस वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो टिल देन बाय टेक केयर